महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को यानी आज दुष्कर्म की शिकारी किशोरी ने ब्लैकमेलिंग से आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी आपको ऐसे में बताते चले, पुलिस उप अधीक्षक राम प्रवेश राय ने बताया कि साह पहाड़ी गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा का शव उसके कमरे में फांसी से लटका हुआ मिला। वहीं परिजनों के मुताबिक 15 वर्षीय किशोरी कल रात रोज की तरह अपने कमरे में सोने के लिए गई थी। सुबह काफी समय तक कमरे के दरवाजे न खुलने और किसी प्रकार की आहत न मिलने से किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी आपको बता दे चले, उन्होंने बताया की घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने किशोरी द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट बरामद किया है। 2 पेज के इस पत्र में मृतका ने अपने साथ कुछ समय पूर्व हुई बलात्कार की घटना का जिक्र करते हुए आरोपी गांव के ही एक युवक द्वारा उसका अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल पर प्रताड़ित करने की बात कही है। इसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक प्रेम कुमार के खिलाफ IPC की धाराओं में 364 पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक प्रेम कुमार के खिलाफ IPC की धाराओं 354 और 506 और 376 में और पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपको बताते चले, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव।